आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो अपना चैप्टर 9 है क्लास 9 का, जिसका नेम है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, यानी कि बल तथा उसके नियम। अब हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे अपना फोर्स, यानी कि बल। फोर्स किसको बोला जाता है? फोर्स देखो, पुश और पुल ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट को हम पुश करते हैं या पुल करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? हम फोर्स बोलते हैं। यानी कि किसी चीज़ को धकेलना या खींचना किसी वस्तु को, तो उसको बल कहा जाता है। अब देखो, जो पुश और पुल किसी ऑब्जेक्ट को, यानी कि जब हम डोर खोलते हैं, अपने घर का दरवाजा है उसको खोलते हैं, तो हम क्या करते हैं? तो पुश करते हैं या पुल करते हैं, खींचते हैं या धकेलते हैं। तो किसी वस्तु को अगर हम खींच रहे हैं, धकेल रहे हैं, तो उसको बोला जाएगा बल। या तो हम उसके अपनी तरफ लेकर जाएंगे या उसको दूसरी तरफ लेकर जाएंगे, यानी कि या तो हमारी सेम साइड में आएगी या फिर हमारी अपोजिट साइड में आएगी। तो बल किस में लगता है? या तो हमारी तरफ भी लग सकता है या हमारे से उल्टी डायरेक्शन में भी लग सकता है। सेम डायरेक्शन और अपोजिट डायरेक्शन, यानी कि एक दिशा में या विपरीत दिशा में, दोनों में बल लगाया जा सकता है। अब देखो, एक एग्जाम्पल है, ये एक अलमीरा है। अगर हमारे घर में एक अलमीरा रखी हुई है और हम क्या करते हैं, ए जो है हमारा एक रूम है, इसमें क्या है, एक मेंबर आया हमारे घर का, एक आदमी, उसने क्या किया, इस अलमारी को, इस अलमीरा को धकेलना शुरू कर दिया और वो चाहता है कि इस अलमारी को यहाँ से हटाकर कहाँ लेकर जाए, यहाँ बी की जगह, इस जगह पर रखे। वो यहाँ रखी हुई है ए पे और वो कहाँ रखे, इसको बी पर रखे। तो वो क्या लगाएगा, वो यहाँ से बल लगाएगा। बल लगा लगा के क्या करेगा, उसको धकेलते धकेलते यहाँ लेकर आ जाएगा। तो यानी कि क्या लगाया उस अलमारी पे, हमने क्या लगाया, बल लगाया। बिना बल लगाए तो वो हिल नहीं सकती थी अपनी जगह से। तो जो भी कोई वस्तु है, अगर हम उसको उसके स्थान से हटाकर दूसरे स्थान पर लेकर जाएं, तो उसको बोला जाता है बल। अब जैसे ये बॉल है, बॉल रखी हुई है, हम इस पे क्या करेंगे, किक करेंगे। वो क्या करेगी, अपनी जगह से किसी दूसरी जगह पर चली जाएगी और हमने पैर से क्या किया, उसको किक किया, यानी कि हमने क्या लगाया, फुट से उसमें बल लगाया, फोर्स लगाया। तो इसका बोला जाता है फोर्स, यानी कि बल। यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, किसी भी ऑब्जेक्ट को हम पुश या पुल कर रहे हैं तो उसको बोला जाएगा फोर्स। धकेलना या खींचना किसी भी ऑब्जेक्ट को, तो क्या बोलते हैं, बल बोलते हैं। सपोज करो, आपका क्लासरूम में जो डेस्क रखा हुआ है, आपको क्या करना है, डेस्क जो है हमारी फर्स्ट रो में रखा हुआ है, ये हमारी फर्स्ट रो है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, डेस्क यहाँ पर रखा हुआ है। अब आप क्या करना चाह रहे हो, डेस्क को हटा के यहाँ रखना चाह रहे हो, तो क्या करोगे, आप यहाँ से बल लगाओगे, बल लगाते लगाते, यानी कि फोर्स लगाते लगाते कहाँ रख दोगे, इस बेंच को, इस थर्ड वाली रो में रखोगे। तो इसको बोला जाता है बल, यानी कि फोर्स। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज पुश्ड और पुल्ड बाय विद एक्सटर्नल फोर्स इज नोन एज फोर्स, इसको बोलते हैं फोर्स। अब हम इसका जो नेक्स्ट है, टाइप्स ऑफ फोर्स पढ़ेंगे। एक बैलेंस फोर्स होती है और एक अनबैलेंस फोर्स होती है, हम उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। स्टार्ट कर रहे हैं इसमें बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स, यानी कि संतुलित बल और असंतुलित बल के बारे में पढ़ेंगे। अब देखो, बैलेंस फोर्स क्या होती है और अनबैलेंस फोर्स क्या होती है। बैलेंस से हम जो मीनिंग है हमें समझ में आ रहा है, बैलेंस मतलब इक्वल और अनबैलेंस मतलब अनइक्वल, यानी कि समान और असमान। अब देखो, इसमें जो बैलेंस फोर्स है वो किस तरह से हो सकती है। बैलेंस का मतलब क्या होगा कि दोनों तरफ से दो बच्चे खड़े हैं। सपोज करो, एक बच्चे का नाम वर्षा है और एक बच्चे का नाम सान्या है। दोनों क्या करती हैं, वर्षा चाहती है कि जो बेंच है वो सान्या की रो में चला जाए और सान्या चाहती है उस बेंच को हटाकर मैं वर्षा की रो में भेज दूँ, लेकिन वर्षा अपनी रो में आने नहीं दे रही उस वाले बेंच को जो बेंच रखा हुआ है। और सान्या क्या चाह रही है, सान्या चाह रही है कि मैं भी इस बेंच को अपनी रो में नहीं आने दूंगी। तो क्या करेगी, दोनों उस बेंच पर क्या लगाएंगी, फोर्स लगाएंगी। और वो जब इतना फोर्स लगाएंगी, वो बेंच अपनी जगह से हिलेगा ही नहीं, बेंच अपनी जगह पर ही खड़ा रहेगा। तो उसको बोला जाता है बैलेंस्ड फोर्स, यानी कि संतुलित बल। दोनों ने अपोजिट डायरेक्शन में, उल्टी दिशा में खड़े, एक दूसरे के विपरीत खड़े होकर क्या लगाया, बल लगाया, लेकिन वो बेंच जो रखा हुआ था, जो डेस्क रखा हुआ था, अपनी जगह से हिला नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, वर्षा ने भी उतना ही बल लगाया जितना किसने लगाया, सान्या ने। अगर मान लो वर्षा ज़्यादा बल लगाती तो वो बेंच हटकर किसकी तरफ चला जाता, सान्या की तरफ चला जाता। अगर वो बेंच हटकर किसी दूसरे की तरफ चला जाता है तो उसको बोला जाता है असंतुलित बल। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो, ये बेंच रखा हुआ है, यहाँ पर कौन है, वर्षा है, और यहाँ पर कौन है, सान्या है। अब वर्षा क्या कर रही है, इधर से बल लगा रही है और सान्या इधर से लगा रही है। वर्षा इधर से फोर्स लगा रही है, सान्या यहाँ से फोर्स लगा रही है, और जो बेंच है वो अपनी ही जगह पर रखा हुआ, वो हिल ही नहीं रहा है। तो इसका मतलब कौन सा है, ये बैलेंस फोर्स यानी कि संतुलित बल का एग्जाम्पल हो गया। और देखो, वर्षा अगर ज्यादा बल लगाती है और ये बेंच हटकर कहाँ चला गया, सान्या के पास चला गया,
उसने इतना बल लगाया, इतना फोर्स लगाया कि ये बेंच कहाँ चला गया, सान्या के पास चला गया, अपनी जगह से हटकर, वर्षा के पास से हटकर कहाँ चला गया, सान्या के पास चला गया। तो इसका मतलब कौन सा हुआ? असंतुलित बल। असंतुलित बल का मतलब होता है कि एक आदमी ज्यादा बल लगा रहा है, दूसरा वाला कम लगा रहा है, दोनों के बल में जो है असमान है, एक जैसा बल नहीं लगा रहा, एक जैसा फोर्स नहीं लगा रहा। तो इसको बोला जाता है अनबैलेंस्ड फोर्स, कि दोनों ने जो फोर्स लगाया वो इक्वल फोर्स नहीं था। कि वर्षा जो थी वो ज्यादा बल लगा रही थी, ज्यादा फोर्स लगा रही थी उस बेंच के ऊपर, इसलिए वो अपनी जगह से हटकर अपनी पोजीशन उसने क्या कर ली, चेंज कर ली, और वो कहाँ चला गया, सान्या के पास चला गया। तो इसको बोला जाएगा कौन सा बल, इसको बैलेंस, इसको अनबैलेंस फोर्स बोला जाएगा। और अगर वो बेंच हिलता ही नहीं है, अपनी जगह पर रहता है, वर्षा और सान्या दोनों उसको हिलाने में लगे हुए हैं उल्टे दिशा में खड़े होकर, तो उसको बोला जाता है बैलेंस्ड फोर्स, यानी कि संतुलित बल। अब इसके बाद में हम इसको न्यूमेरिकल वाले एग्जाम्पल से करते हैं। एग्जाम्पल में एक तरफ वर्षा है और एक तरफ सान्या, और बीच में क्या रखा हुआ है, बेंच रखा हुआ है। ए में जो है वर्षा खड़ी हुई है और बी लाइन में कौन है, सान्या है। अब देखो इधर से जो वर्षा है वो कितना न्यूटन फोर्स लगा रही है, 5 न्यूटन लगा रही है, और जैसे सान्या कितना लगा रही है, 5। दोनों क्या लगा रहे हैं, सेम बल लगा रहे हैं, सेम फोर्स लगा रहे हैं, इसलिए बेंच अपनी जगह से हिल नहीं रहा। क्योंकि देखो आपको सबको पता है न्यूटन जो होता है किसकी एसआई यूनिट होती है, वो फोर्स की एसआई यूनिट होती है। आप 8th क्लास में पढ़ चुके हो फोर्स के बारे में थोड़ा बहुत, न्यूटन के बारे में। न्यूटन हमारे एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने फोर्स के बारे में बताया था, डिस्कवर किया था, जिन्होंने एप्पल वाला एक एग्जाम्पल दे के, अभी हम इसको इनके लॉज पढ़ेंगे तब पूरा डिटेल में पढ़ेंगे इसको। तो अब देखो हम अपना न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। ये यहाँ से फोर्स लगा रहे हैं और यहाँ से, जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में उल्टी दिशा में खड़े होते हैं तो हमेशा क्या होता है, इनका माइनस होता है। तो कितना आ गया, 0 न्यूटन आया। जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे तो ऑलवेज क्या होगा, माइनस होगा। और दोनों जब सेम डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, सपोज करो जो बेंच है यहाँ पर सान्या भी है और यहाँ पर वर्षा भी है, दोनों क्या करती है, फोर्स लगाती है इस बेंच के ऊपर, और दोनों कहाँ खड़ी है, साथ में, और वो चाहती है बेंच हिलकर यहाँ से हटकर कहाँ चला जाए, क्लासरूम से बाहर, यहाँ चला जाइए बाहर, डोर से बाहर, ये डोर है और डोर में से यहाँ से बाहर निकालना चाहते हैं। तो क्या करती है, वर्षा भी यहीं खड़ी है और सान्या भी यहीं खड़ी, दोनों क्या लगाएंगी, फोर्स लगाएंगी। अब देखो बेंच अपनी जगह से हिलता हुलता यहाँ पे बाहर निकल गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, दोनों ने एक ही साथ जोर लगाया, एक ही साथ बल लगाया है। अब सपोज करो इसने कितना लगाया था, 5 न्यूटन लगाया था, और इसने भी कितना लगाया था, 5 न्यूटन लगाया था। तो इस केस में क्या हो जाएगा, दोनों का प्लस हो जाएगा, यानी कि जब दोनों एक ही तरफ खड़े होते हैं तो क्या होता है, प्लस होता है, और दोनों उल्टी साइड खड़े होते हैं, अपोजिट साइड खड़े होते हैं, तो क्या होता है, माइनस होता है। अब देखो पहले वाले में अगर बेंच हिलता ही नहीं है, 0 का मतलब क्या है कि वो जहाँ पर था वहीं पर है, वो हिलेगा ही नहीं, तो उसको बोला जाता है बैलेंस्ड फोर्स। और जब अनबैलेंस्ड फोर्स मतलब कोई एक इधर से बल लगा रहा है एक दूसरी तरफ से, और बेंच जो अपनी जगह से हट रहा है, तो उसको बोला जाएगा अनबैलेंस्ड फोर्स। ठीक है, ये थे हमारे कुछ एग्जाम्पल्स इसके, और आज का छोटा सा टॉपिक जो आज होप आपको ये वाला टॉपिक जो है समझ आया होगा। अब जो नेक्स्ट है हमारे लॉज ऑफ मोशन, वो हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।